इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही रिफ्रेशिंग नरिशिंग जूस जो बीट रूट और कैरेट से बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ऑफ पियलर फाइन। इस जूस को बनाने के लिए हमें एक गाजर, चुकंदर, एक लीमू और अदरक का टुकड़ा एक चाहिए होगा। सबसे पहले हम इन गाजर को पील ऑफ करके और इसको बारीक कटिंग कर लेंगे ताकि इसको ब्लेंड करने में आसानी हो। और इस जूस को हम किस टाइम पर ले सकते हैं, बेस्ट टाइम होगा मॉर्निंग का, और आफ्टर एक्सरसाइज भी आप ले सकते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अदरक का भी पील ऑफ करके यूज़ कर लेंगे, इवनिंग टाइम पे भी इसको ले सकते हैं और इसको बनाने के लिए हेल्प। अदरक के बहुत बेनिफिट्स हैं, अदरक डाइजेशन में हेल्प करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है और आप और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी। आप इसको इवनिंग के कॉफ़ी और टी के बजाय इन जूसेस को इंटेक करें, बहुत हेल्थी है। दो ग्लास के जूस में 3 टुकड़े अदरक के काफ़ी होंगे। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका जूस तुरश हो जाएगा, आपसे पिया नहीं जाएगा। और 2 स्लाइसेस लेमन के भी कट कर लूँगी। इस तरह के जूसेस डेली बेसिस में इंटेक करने चाहिए क्योंकि इसमें सारी न्यूट्रिएंट्स जो हमें वेजिटेबल्स में प्रॉपर मिल नहीं पाती, अगर आप इस तरह के जूसेस लेते हैं तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस आपको अवेलेबल होंगी। चुकंदर को भी मैं बारीक कटिंग करके ब्लेंडर में ऐड करूंगी। माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत अंदर से सुर्ख चुकंदर है। जब भी मैं चुकंदर कट करती हूँ अल्लाह सुबहाना ताला की खूबसूरती और नेमतें याद आती हैं। अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें अता की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। इस जूस को बनाने के लिए आप स्लो प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड जूसर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो जूसर नहीं है तो आप ब्लेंडर जग में बना लें, उसके बाद आपको दोबारा स्ट्रेन आउट करने की ज़रूरत होगी क्योंकि इसके कुछ पल्प बीच में रह जाएंगे, तो आपको खाली जूस ही स्ट्रेन आउट करके निकाल कर पीना होगा। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया, शुगर को अवॉइड किया। अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से पानी डालकर ब्लेंड कर लेना है जग में। रिफ्रेशिंग जूस को पीने से एक तो आपको एनर्जी आएगी, दूसरा आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। स्ट्रेन आउट करके ग्लासेस में डाल के एंजॉय करें इस रेसिपी को और मुझे दुआएं दें। होप यू लाइक द रिजल्ट। Do try and go ahead subscribe my channel. Thanks for watching and Allah Hafiz.